हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग अपनी कुछ फीलिंग्स हमारे वांगजी के सामने बताना चाहता था, बट वो नर्वस था, वो कुछ भी बता नहीं पाया था। एंड देन उसके बाद विंग ने ऐसे ही अपने फ्रेंड के बारे में पूछते हुए हमारे वांगजी से सवाल किया था, बट वांगजी ने कहा था जिस इंसान को मैं जानता नहीं उस इंसान का बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, उसकी फीलिंग्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। जिसके बाद वो सोने आ चुके थे। सोने के टाइम पे हमारी विंग ने पूछा था क्या तुम्हें मुझसे डिस्कस्टिंग फील होता है, तो वांगजी ने कहा था क्यों, क्योंकि विंग कहता है कि मैं बायसेक्सुअल हूँ इसके कारण। तो वांगजी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें आज तक इस नज़र से कभी भी नहीं देखा और मैंने कभी नहीं समझा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे दोस्त हो। जहाँ पर विंग को ये दोस्त वर्ड सुनने के बाद थोड़ा सा हर्ट हुआ, दोस्त बार बार दोस्त यही वर्ड, इसलिए विंग को इन सारी चीज़ों से हर्ट हुआ। विंग कहते हैं बस दोस्त और कुछ भी नहीं, दोस्त के अलावा वो और कुछ भी मुझे समझता नहीं। एंड विंग जस्ट दूसरी तरफ मुंडी करके आंखें बंद कर चुका था, जहाँ पे हमारा वांगजी भी सो चुका था। हम रात के टाइम का देखते हैं, जहाँ पे विंग अभी तक नहीं सोया था, बोले तो उसने सिर्फ आंखें बंद की थी बट वो सोया नहीं था। विंग ने अपनी आंखों को ओपन किया, देन वो साइड पर पलट गया, वांगजी को देखने लगा, जहाँ पे वांगजी कितना ज़्यादा प्यार से आराम से सो रहा था। विंग कहता ये तो मुझे सिर्फ दोस्त ही समझता है, मैं क्या पागल हूँ जो मैं ये सब सोच रहा हूँ, मुझे उसके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे मैं क्या पागल हूँ सच में, वो तो सिर्फ मुझे दोस्त समझता है और मैं उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग के आंखों में आंसू निकल रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। देखो ना, यहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को सिर्फ दोस्त ही समझता है और विंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो क्या करे, विंग मन में कहता है कि नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को इसके सामने नहीं ला सकता बिल्कुल भी नहीं, वरना हमारी दोस्ती सच में ख़राब हो जाएगी। जैसे कि मैंने सोचा था कि हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, सेम वैसे ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताने वाला, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। ऐसे विंग सोच लेता है। एंड विंग कहता है कि मैं अब वांगजी से जस्ट दूर रहूँगा, दूर, ऐसे वो सोचता है। देन उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी उठ जाता है। उठने के बाद जस्ट जो ना इधर उधर देखता है, क्योंकि विंग इतने जल्दी नहीं उठता है, तो वांगजी देखता है कि साइड की जगह जो ना खाली है करके, तो वांगजी कहते विंग कहाँ चला गया, ऐसे कहता है। एंड वांगजी जस्ट उठकर वॉशरूम की ओर जाता है और वॉशरूम में देखता है, बट हमारा विंग वहाँ पे नहीं था। तो वांगजी कहते ये क्या अच्छा लगा है, इतनी सुबह सुबह तो वो कहीं पर जाता नहीं है, ऐसे वांगजी सोचते हुए जो ना इधर उधर देखता है, बट उसे विंग नज़र नहीं आता है। तो वांगजी जस्ट अपने मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है एंड वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद उसे जो बटलर था ना वो नज़र आता है, तो वांगजी उससे पूछता है कि विंग कहाँ गया, तो बटलर कहता है कि मास्टर तो रात को ही निकल गए। तो वांगजी क्या, तो कहते हैं कि हाँ मास्टर तो 2 बजे के पास निकल गए। तो वांगजी उस टाइम पे, तो कहते हैं हाँ क्या आपको नहीं बताया मास्टर ने, तो वांगजी कहते हैं कि नहीं, 2 बजे इतनी रात को वो कैसे निकल सकता है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं वो 2 बजे इतनी रात को, ऐसे कहता है। वांगजी आगे बढ़ जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुका था, जहाँ पे कुरान एंड शिशन भी आ चुके थे, वो दोनों मिलके ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। तीनों मिलके ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के बाद वांगजी बाहर आता है और कहते हैं विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसे कहते जो ना वांगजी जस्ट विंग को कॉल करता है, बट विंग हमारे वांगजी का फ़ोन नहीं उठा था। वांगजी कहते ये फ़ोन भी नहीं उठा, ये सो ही रहा होगा पक्का, ये सो रहा होगा, ऐसे वांगजी सोचता है। देन तभी वांगजी को जो है ना चेंग शाओ का कॉल आता है, जिसके बाद वांगजी उसके कॉल को अटेंड करता है और कहता है कि तो चेंग शाओ कहते हैं कि तुम कितना टाइम है तुम्हें आने में, तो वांगजी कहता है आधा घंटा, तो कहते कि ठीक है मैं भी पहुंच रही हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी से कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी जस्ट विंग के घर के पास आता है, अपने बाइक के हॉर्न को बजाता है, बट विंग बाहर नहीं आता है, इसलिए वांगजी वहाँ पर जाता है एंड डोरबेल को बजाता है, जहाँ पर जो विंग की मदर थी ना वो बाहर आती है और कहती हे लांजान, जस्ट कहते हेलो आंटी, जहाँ पर वो आंटी कहते हेलो क्या हुआ, तो कहते विंग, तो उसकी मॉम कहती ओ विंग तो कॉलेज जा चुका है। वांगजी क्या, तो कहती हाँ विंग कब का कॉलेज जा चुका है, ऐसे कहते। तो वांगजी आह अच्छा ठीक है, तो विंग की मदर कहती क्या तुम्हें बताया नहीं विंग ने, तो वांगजी कहते नहीं शायद, तो उसकी मॉम कहती ओ कोई बात नहीं, शायद से वो तुमसे गुस्सा होगा या नाराज़ हो गया होगा। तो वांगजी बट क्यों, ऐसा तो हम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था। तो उसकी मदर कहती पता नहीं कल रात को विंग जल्दी जल्दी में आया था घर के अंदर, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा था, कैसा कि इमोशनल था, वो दुखी था, गुस्सा था, सब कुछ था, उसकी इमोशन मुझे समझ में नहीं है, बट उसे मैंने बात करने की कोशिश की इतनी रात को वो क्यों वापस आया, बट उसे मुझे बताया नहीं, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तो वांगजी कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो विंग की मॉम कहते ओह ओके कोई बात नहीं, मेरा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वैसे भी वो कभी सैड नहीं रह सकता, और वो अपनी फीलिंग्स को
जल्दी बदल देता है। तो उसकी वांग जी कहते हैं एंड वांग जी अपनी बाइक पर आकर बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वांग जी कॉलेज में पहुंच चुका था जहाँ पे वो हमेशा बाइक पार करता है, विंग के साइड में, वो वहाँ पे जाके अपनी बाइक को पार करता है। देन इधर उधर देखता है, बट वहाँ पे आज विंग की कोई गैंग नहीं बैठी हुई थी। तो वांग जी जिस कमरे में आता है, कमरे में बोल रही है, क्लास में आता है, देन वो देखता है कि विंग के सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे हुए, बट विंग नहीं था। और वांग जी के पास वाली सीट भी खाली थी, बोले तो हमारे विंग नहीं था। बट तभी चिंग शाओ आती है एंड वांग जी के साइड में बैठ जाती है। वांग जी इधर उधर देखता है कि विंग तो आएगा करके, बट विंग नहीं आता है। तो वांग जी बाद में सोचता है कि वो विंग के दोस्तों से पूछेगा करके, ऐसे वो सोचता है। देन उसके बाद जो है ना, वांग जी जस क्लास को अटेंड करता है। क्लास अटेंड होने के बाद वो जस विंग के दोस्तों के पास जाता है और पूछता है कि विंग कहाँ है करके। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम भी विंग से नहीं मिले हैं, जस विंग की बाइक को देखा है बट विंग हमसे नहीं मिला है। तो वांग जी क्या, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड है ना, तुमको तो पता होना चाहिए वो कहाँ पे है करके। तो वांग जी कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, वो ये वो तो कॉलेज आया था ना। तो वो उसके दोस्त कहते हैं विंग के कि हाँ, न्यूज़ ने कहता कि हाँ उसकी बाइक तो यहाँ पे है बट पता नहीं वो कहाँ पे है, तो फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा बिल्कुल भी नहीं, वो कहाँ पे चला गया तो नहीं पता, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी जस क्लास से बाहर निकलता है और कहते हैं कि ये कहाँ गया होगा, ऐसे वांग जी सोच रहा था। जिसके बाद वांग जी विंग को फिर से कॉल करता है बट विंग फ़ोन नहीं उठाता है बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी इधर उधर देखता है जिससे विंग उसे कहीं पर तो मिल सके, बट वांग जी को विंग कहीं पर नज़र नहीं आता। चिंग शाओ हमारे वांग जी के साथ ही घूम रही थी और चिंग शाओ हमारे वांग जी से कुछ क्वेश्चन भी कर रही थी और वांग जी का ध्यान सिर्फ हमारे विंग की तरफ था। विंग कहाँ गया, क्योंकि विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है और डेली, अगर डेली हम किसी इंसान के साथ रहते हैं ना, हमें उस इंसान की आदत लग जाती है, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ऐसे जो बोलने की आदत रहती है ना, वो लग जाती है। जैसे कि वांग जी के साथ बचपन से ये आदत हो चुकी थी, वो विंग के फेस को दिन में तो एक बार देखता ही था, तो इसलिए वांग जी उसे ढूंढ रहा था। बट हमारे विंग का उसे ना आता था ना पता था, वो पूरे क्लास वगैरह जो कैंटीन एरिया सभी जगह पे दिखता है बट उसे मिलते नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता हमारा विंग। जिसके बाद जो है ना, वांग जी फिर से अपनी क्लास को अटेंड करता है क्योंकि वांग जी कभी अपनी क्लास को मिस नहीं करता है। तो वांग जी फिर से अपनी क्लास को अटेंड करता है एंड वो अपना जो है ना बुक्स में लिखते जा रहा था, जस्ट टीचर बता रहे थे वो। तभी उसके पास एक परछाई गुजरती है जिसके कारण वांग जी जल्दी से उधर देखता है, तो जस्ट एक छोटी सी विंग की झलक दिखती है एंड वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी जल्दी खड़ा हो जाता है एंड उधर देखता है। बट विंग तो वहाँ से जा चुका था ना, वो वहाँ से जा चुकी थी वो परछाई, जहाँ पे वांग जी कहते क्या 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 मैंने सही देखा था, वो विंग ही था ना, ऐसे वांग जी कहते हैं। बट वो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसे क्लास अटेंड करनी चाहिए ना, ऐसे कहता है। एंड वांग जी ऐसे ही खड़ा था तो टीचर कहते क्या हुआ एलान वांग जी, तो वांग जी कुछ नहीं सर, और वांग जी नीचे बैठ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट करते फिर से। हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग रात के 2 बजे घर आया था, घर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, भला क्या करे, उसे जस्ट वांग जी से दूर रहना होगा वरना उसकी फीलिंग्स उन दोनों के बीच में जो है ना उन दोनों को दूर कर सकती है। इसलिए विंग ने सोचा कि हाँ वांग जी को अवॉइड करेगा, देन उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को उसको शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं शो करेगा, ये वांग जी ने सोचा। देन उसके बाद वांग जी बोल रही हूँ यार, विंग ने ये सब सोचा। देन उसके बाद मॉर्निंग में विंग जल्दी उठ गया एंड वो जल्दी से कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद विंग डायरेक्टली जो कॉलेज की टेरेस थी ना, वो वहाँ पर जाकर बैठ चुका था। विंग दिन भर वो वहाँ पे ही बैठा रहा जहाँ पे विंग ने जिस वांग जी के फ़ोन आए थे, यहाँ तक कि विंग के जो दोस्त थे म्या न्यूसैन शुशे जो भी थे, उन सारे लोगों ने विंग को कॉल किया था बट विंग ने किसी के भी कॉल को अटेंड नहीं किया। जिसके बाद जो है ना लंच ब्रेक भी हुआ बट फिर भी विंग ने किसी के भी कॉल को अटेंड नहीं किया, ना ही कोई ऊपर आया था, तो इसलिए विंग को कोई ढूंढ ही नहीं पाया, पहली बात ऐसी थी। जिसके बाद हमारे विंग ने सोचा कि लास्ट क्लास है, एक बार वो वांग जी से मिल लेता है, यानी वांग जी को देख लेता है, क्योंकि विंग की भी आदत थी ना हमारे वांग जी को देखनी थी, उससे उसके साथ बात करने की, तो इसलिए विंग भी देखने के लिए आया था। विंग ने जस्ट छुपके से हमारे वांग जी को देखा एंड उसके बाद वो चला गया वहाँ से, ऐसा हुआ। एंड इसी टाइम पे हमारे वांग जी ने जस्ट विंग को देखा था, ऐसा हुआ था। अभी ये क्लास पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, तो वांग जी जल्दी से फिनिश हो चुकी है ना, तो वांग जी इधर उधर देखता है एंड वो जल्दी से नीचे आता है और नीचे आकर इधर उधर देखता है विंग दिखेगा करके, बट नहीं नज़र आता। तो वांग जी कहते कि विंग तुम कहाँ हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी चिंग शाओ थी, क्या हुआ लांसान, तो लाजा का कुछ भी नहीं ऐसे कहते। जिसके बाद जो है ना विंग के जो दोस्त थे ना, वो कहते विंग पता नहीं वो कॉल भी अटेंड नहीं करा, कहाँ चला गया है, तो हाँ अपनी बाइक के पास तो आएगा ना, ऐसे कहते। उसके दोस्त वहाँ पे बाइक के पास चले जाते बट वो क्या देखते हैं कि विंग की तो बाइक वहाँ पे है ही नहीं, बाइक है ही नहीं, जस्ट वांग जी की बाइक है करके। तो वो लोग कहते विंग ये कहाँ चला गया, हाँ उसने तो पहले ऐसा कभी किया ही नहीं है, वो हमें हाय बाय के बिना कभी कहीं भी जाता तक नहीं है, आज तो उसने शक्ल तक नहीं दिखाई, जस्ट उसकी बाइक की शक्ल को देखने का हमें लोगों को मौका मिला, ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी भी वहाँ पे आके खड़ा हो चुका था और वांग जी भी देखता है कि हाँ विंग की तो बाइक नहीं है, सुबह तो यहाँ पे उसकी बाइक थी, ऐसे वो सोचता है।
रंगजीत उसे हुआ क्या है, ऐसे रंगजीत मन में सोच रहा था। देन उसके बाद जो ना वो चेंग शाओ को लेके निकल जाता है, जिसके बाद हम 3 दिन रेगुलर देखते हैं, जहाँ पे हमारी विंग की तो बाइक नज़र आती थी, बट विंग कभी कॉलेज में नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग पता नहीं वो कहाँ चला गया था, वांगजी देखता था, विंग के घर पे भी जाता था, बट विंग तो पहले ही निकल जाता था और वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था विंग उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। और विंग के दोस्त जो थे ना, वेंजिंग और नी हुसैन शुयांग जो थे ना, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे विंग उन लोगों को अवॉइड क्यों कर रहा है, क्या हुआ ऐसा। विंग उनसे भी बात नहीं कर रहा, ना विंग उनका कॉल उठा रहा है, ना कुछ भी, ना मैसेज का रिस्पांस दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो उसके दोस्त को भी समझ भी नहीं आ रहा था। अभी 3 दिन हो चुके थे जो विंग ने कंटिन्यू ये सब कर रहा था, जहाँ पे आखिरकार जो है ना मैम वांगजी के पास जाते रुके थे, तुम्हें पता नहीं क्या विंग कहाँ पे, तो वांगजी उसे देखते रुके नहीं, तो मैम कहते तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए ना उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो वांग जी कहते मुझे सच में आइडिया नहीं है, मैंने उससे बात तक नहीं की है। तो मैम जैसे उसे देखती है और मैम कहते तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं है। तो वांग जी कहते क्या समझना चाहिए। तो मैम कुछ भी नहीं कहती और कहते कि रहने दो, तुम्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कहते। मैम वहाँ से जा चुके थे। वांग जी कहते ये क्या बोल रही थी, मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा सोचता है। एंड देन वांग जी अपने घर के लिए निकल जाता है। आज चेंग शाओ नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो वांग जी कहता है कि क्या विंग वहाँ पे जा सकता है, ऐसे वांग जी सोचते हुए जो ना उस जगह पे पहुँच जाता है। हाँ ये वही पुलिया था, पुलिया के नीचे पुलिया था जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे से मिलते थे। तो वांग जी कहते क्या वो वहाँ पे हो सकता है। ऐसे करते हुए जो ना वांग जी जैसे अपनी बाइक को पार्क करता है, इधर उधर देखता है कि विंग की यहाँ पे कहीं बाइक तो नहीं है ना, बट विंग की बाइक नहीं थी। तो वांग जी कहते यहाँ पे उसकी बाइक तो नहीं है, क्या वो यहाँ पे हो सकता है, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो इधर उधर देखता है, बट विंग तो वहाँ पे था ही नहीं, बिल्कुल भी था ही नहीं। वांग जी कहते ये कहाँ चला गया है, इतने दिन हो चुके हैं। हाँ ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी तभी जो दीवार थी ना वो उस दीवार को देखता है, जहाँ पे विंग एंड वांग जी का जो था ना वो नाम लिखा हुआ था, बहुत प्यार से वो नाम लिखा हुआ था, जहाँ पे वांग जी उस नाम को देखता है और कहता है ये विंग ही कर सकता है। ऐसे वांग जी कहते इसका मतलब वो यहाँ पे आया था। हाँ ऐसे वांग जी सोचता है। देन वो अपनी बाइक पे आ जाता है एंड वो अपने घर निकल जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं उसे कैसे भी करके मुझे पकड़ना होगा। ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन वांग जी अपने घर में आने के बाद जो है ना अपने रूटीन को कंप्लीट करने के बाद कहते हैं कि उसे नोट्स भी देने हैं, उसे मुझे पढ़ाना भी है। हाँ बट कहाँ हो तुम विंग, विंग तुम्हें स्टडी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें स्टडी पर ध्यान देना होगा वरना तुम मुझसे पीछे रह जाओगे विंग, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। ऐसे वांग जी सोच रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन जो था ना वो बजता है, जिस कारण वांग जी फ़ोन को ध्यान देता है और कहता है, और अनलोड नंबर देख के वो थोड़ा शौक था, बट वांग जी फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो। तभी वॉइस आती है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉइस आ रही थी, और तभी वो ऐसा कहता है हाँ आप कौन बात कर रहे हो, हेलो। ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हेलो मैं लान वांग जी, आप कौन, ऐसे वांग जी पूछता है। तो सामने से एक वॉइस आती है, यहाँ पे दो लोग पड़े हुए हैं और उनमें से एक लड़का लान वांग जी नाम ले रहा था, एंड मैंने उसके फ़ोन में आपके मिस कॉल्स वगैरह देखे थे, तो मैंने उस नंबर को अपने फ़ोन में डालकर आपको कॉल कर रहा हूँ, ये दोनों रास्ते के पास पड़े हुए हैं। तो वांग जी दोनों कौन है वो, तो कहते एक लड़का है जो कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं दोनों, तुम देख लो, ऐसे कहते हैं, और यहाँ पे पड़े हुए हैं तो आके इन लोगों को पिकअप कर लो, मैं इन लोगों को साइड में बिठा चुका हूँ। तो वांग जी कौन है मुझे नाम बता सकते हो, तो कहते इसके आईडी पे वी वुशान एंड वेनिंग लिखा है इसके आईडी पे। तो वांग जी क्या हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ प्लीज़ उनका ख्याल रखना, ऐसे वांग जी कहता है। देन वांग जी जल्दी से अपने भाई की कार की की लेता है, देन वो कार से ही निकल जाता है, जिसके बाद वांग जी अब जो विनिंग जो नाम था ना वो वेंचिंग के भाई का था, तो वांग जी वेंचिंग को मैसेज कर देता है, जिसके बाद वेंचिंग भी उस मैसेज को पढ़ती है। वांग जी उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड विनिंग दोनों जो ना एक दूसरे के सर लगा कर जो ना बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कह रहा था सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है मुझे, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे विनिंग कहते हाँ ग मैं समझ रहा हूँ आपको दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है ग बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे विंग भी आती है और कहती ये सब क्या है, निंग होश में आओ निंग, ये क्या थे, ये तुमने क्या हालत बना के रखी है। जहाँ पे निंग शीजे आप आ गई, ऐसे कहते जिन्होंने वो अपने शीजे के पैर को पकड़ लेता है, जहाँ पे विन चिंग कहती कि निंग ये क्या कर रहे हो, बेहुदा हरकतें क्यों कर रहे हो विन निंग, ऐसे वो कहती है। एंड विन निंग कहते शीजे मुझे हर्ट हो रहा है शीजे, यहाँ पे ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना वो देखती है
विंग जस्ट जो है ना विंची को देखते करते, विंची मुझे भी हर्ट हो रहा है, मुझे भी हर्ट हो रहा है, शीजे ऐसे जो है ना वो विंग भी कहता है। तो विंची क्या कहा तुमने, विंग पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो और नहीं तुम चलो मेरे साथ में, लानवांग जी के साथ जाओ तुम। विंग विंग कहते नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहीं पे रहना है। जहाँ पे विंचिंग लानवांग जी को देखते हुए कहते तुम इसे लेके तो जाओगी ना, तो वांग जी कहता है कि हाँ। जहाँ पे नीम को जो है ना वांग जी और विंचिंग उठाकर जिस कार में डाल देते हैं, देन उसके बाद विंचिंग वहाँ से लेके जा चुकी थी, जिसके बाद हमारा वांग जी वहीं पे खड़ा था और विंग को देख रहा था। वो फर्स्ट टाइम विंग को इस हालत में देख रहा है। विंग हाँ वांग जी को पता है कि विंग ड्रिंक करता है करके, बट वो इतना तो ड्रिंक नहीं करता है कि वो खुद को संभाल ना सके। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, उससे दूर रहना पाना कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे जो है ना विंग खुद से ही बातें कर रहा था। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जस्ट विंग के पास झुकता है एंड विंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने शोल्डर पे रख रहा था। जहाँ पे विंग कहते क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, ऐसे कहते हैं। तभी वांग जी उसकी ओर पलट कहते हैं विंग मैं हूँ। विंग कहते हैं मैं कौन, तो वांग जी कहते हैं विंग मैं लाजान। विंग कहते लाजान तुम हो क्या, हाँ तुम हो, ऐसे कहते हुए जो ना विंग उसको हाथ दे देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं चलो घर चलते। विंग कहता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग चलो हमें घर चलना चाहिए। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते तो क्या हुआ है तुम्हें, तुमने शराब क्यों पी है इतनी ज़्यादा। तो विंग कहते क्यों ना पीऊँ भला, बताओ मैं क्यों ना पीऊँ, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तो वांग जी कहते ओके ओके मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे, बट विंग तुम रास्ते पे हो। तो विंग कहता हाँ मैं रास्ते पे ही आ चुका हूँ। तो वांग जी कहते विंग, विंग कहता हाँ। तो लानवांग कहता चलो चलते हैं। विंग कहता नो, वांग जी कहता चलो विंग, विंग कहता नो। तो वांग जी कहते विंग, विंग कहता मैंने कहा ना नहीं जाना है मुझे, बिल्कुल भी नहीं जाना, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो वांग जी कहते क्या क्यों क्या हुआ है तुम्हें। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता हाँ तुम नहीं जान सकते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता बिल्कुल भी नहीं, वरना वरना हम दोनों की दोस्ती ख़राब हो जाएगी, हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तुम मुझसे नफरत करोगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं नहीं, ऐसे कह रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी जस विंग को देखता है और कहता है विंग चलो। विंग को वो कैसे भी करके उठाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं आना है नहीं आना है, और विंग रोने लगता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उन लोगों को देखते भी है। जहाँ पे वांग जी कैसे भी करके विंग को कार में बिठाता है, देन विंग के सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि विंग चुपचाप यहाँ पे बैठना। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं जाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है क्या मुझे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है कहीं पे भी, मुझे हाँ हम लोगों की बचपन की जगह पे जाना है, बचपन की जगह, हमारा सीक्रेट प्लेस। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी अपनी कार को चलाता है, देन वो अपने सीक्रेट प्लेस पे आ चुके थे। वांग जी कार को पार्किंग में लगाता है, विंग जिस सीट बेल्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, वो सीट बेल्ट ओपन ही नहीं हो रही थी। जहाँ पे वांग जी थे रुको रुको मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। वांग जी आता है और सीट बेल्ट को ओपन कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग कहते हैं तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम भी, तो विंग कहते हैं नहीं तुम मुझसे ज़्यादा हो, ऐसे कहता है। वांग जी सीट बेल्ट ओपन हो गई, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो बाहर निकल चुका था, जिसके बाद विंग भी बाहर निकलता है और कहता है मुझे उठाओ। वांग जी क्या, तो विंग कहता मुझे तुम्हारे पीठ पे चढ़ना है। वांग जी विंग बच्चे नहीं हो तुम, तो विंग कहता मुझे चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है। तो वांग जी कहते ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी की पीठ पे चढ़ जाता है, जिसके बाद वांग जी उसे संभालते हुए नीचे लेके आ चुका था। नीचे आने के बाद जो है ना वांग जी विंग को उतार देता है, जिसके बाद विंग कहता हाँ ये रही हमारी अच्छी जगह, ऐसे कहते। विंग उस जगह पर जाके जो सीधा लेट जाता है। जहाँ पे वांग जी थे विंग पहले क्लीन तो करना था ना, विंग कहता है सब ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी उसके पास आकर बैठ जाता है। विंग कहता है लाजान हम बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं ना, तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग बहुत टाइम के बाद। तो विंग कहता है लाजान सुनो ना, तो लाजान कहता है क्या हुआ। विंग कहता है मैं ना मुझे 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 ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो लाजान कहता है क्यों क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता बिल्कुल भी नहीं, बट मुझे हर्ट हो रहा है। तो लाजान कहता है क्यों क्या हुआ है तुम बताओगे मुझे। तो विंग कहता है हो रहा है मुझे बस हर्ट, मैं तुम्हें यही बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि इसका रीज़न क्या है हर्ट होने का। तो वांग जी उसे देखता है कहता है ठीक है। तो विंग कहता है क्या ठीक है, तुम मुझे पूछना नहीं चाहिए, तुम मेरे तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें तो पूछना चाहिए ना मुझे क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है अगर तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड समझते होगे तो तुम मुझे बता दोगे, ऐसे वांग जी कहता है। तो विंग उसे देखता है कहता है ओ, और जो बात बताने लायक ना हो तो। तो वांग जी कहता है तो कोई बात नहीं तुम मत बताओ। तो विंग कहता है बट उस बात को अपने दिल में रखने से मुझे तकलीफ़ हो रही होगी। तो वांग जी कहता है बता दो। तो विंग कहता है बट वो बताने लायक नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मत बताओ। तो विंग कहता है बट उस बात को सोचने के बाद मेरे दिल में दर्द होता है। तो वांग जी कहता है बता दो। तो विंग कहता है मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते हैं क्यों।
तो वेंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। तो वांग जी कहता है हम दोनों दूर नहीं होने वाले विंग, ऐसी कौन सी बात है जिससे हम दूर हो जाए। तो विंग कहता है हो सकते हैं लाजान। लाजान कहते हैं क्या। तो विंग कहता है कोई नहीं छोड़ो मेरी बात। कैसी वो चेंगशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो वांग जी कहते क्या विंग वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो विंग कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है, डेली तुम्हारी बाइक पर तो आती है ना जाती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो है ना। तो वांग जी कहते कब। तो विंग कहता है मैंने देखा है तुम उसके साथ जाते हो घूमने के लिए, मैंने देखा है। तो वांग जी कहते नहीं विंग, मैं जस्ट उसे ड्रॉप करता हूँ पिकअप करता हूँ। तो विंग कहता है हाँ वही तो तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड ही है ना। तो वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है तो क्या है। तो वांग जी कहता है नॉर्मल फ्रेंड। तो विंग कहता है ओ मेरे अलावा भी तुम्हारा फ्रेंड बन गया लांसान। तो लांसान कहते विंग वो तो नॉर्मल है ना। तो विंग कहता है हाँ, क्या तुम उसे भी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओगे। तो लांसान कहते नहीं विंग, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है और सबसे करीब होता है दिल के। तो विंग कहता है तो क्या मैं तुम्हारे दिल के करीब हूँ लांसान। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ओ क्या मैं तुम्हारे दिल में हो सकता हूँ। तो लांसान कहता है ऑलरेडी तुम हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। विंग कहता है क्या क्या कभी। तो लांसान कहता है तो विंग कहता है क्या कभी बेस्ट फ्रेंड के अलावा कुछ और हो सकता है। लांसान जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जैसे उसे होपफुल आइज से देख रहा था, जहाँ पे लांसान कहता है मतलब क्या है विंग। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं मैं शराब पिए ना इसके कारण बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो मेरी बातों को। ऐसे कहते चलो चलो आओ यहाँ पे लेट जाओ ऐसे कहते वो वांग जी को भी लेटा देता है। जहाँ पे विंग कहता है देखो सितारे चांद है आसमान में, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाओ ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, पानी की वॉइस आ रही है लांसान कितना अच्छा लग रहा है ना। लांसान कहता है हाँ विंग। विंग कहता है लांसान क्या हम बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। तो लांसान कहते कब। तो विंग कहता है हम जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब। तो लांसान कहते ऑफ कोर्स हम ऐसे ही रहेंगे। तो विंग कहता है बट तुम तो किसी और से शादी करोगे ना। तो लांसान कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है हाँ तो फिर तुम कैसे भला मुझे पसंद करोगे। तो लांसान कहते पसंद। तो नहीं मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड कैसे रहोगे तुम। तो लांसान कहता है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड ही रहूँगा लांसान विंग। तो विंग उसे देखता कहता है हाँ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ना। तो लांसान कहते कि हाँ विंग बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो विंग कहता है अगर मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना है तो। तो वांग जी कहते मतलब तुम तो मेरे ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड हो ना विंग। तो विंग कहता है मुझे बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा कुछ बनना है। तो लांसान जो सूसी देखते क्या क्या बनना है विंग। तो विंग कहता है क्या मैं बन सकता हूँ। तो लांसान जो सूसी देखते क्या बनना है विंग। विंग कहता है मुझे ना। तो लांसान जस उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बनना है। तो लांसान कहता है कि अच्छा तो बन जाना। तो विंग कहता है सच में पर तुम्हें तो पता ही नहीं मैं क्या बनना चाहता होता। तो लांसान कहता है अगर तुम कुछ भी बनना चाहते हो ना तुम बन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम विंग हो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जो चाहे वो बन सकते हो। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है सच में मैं बन सकता हूँ। तो लांसान कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तुम मुझसे नाराज़ हो गए तो। तो लांसान कहता है मैं विंग से कभी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। तो विंग कहता है नहीं तुम नाराज़ हो गए एंड तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो। तो लांसान कहते विंग ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो लांसान जस उसे देखता है और कहते विंग चलो घर चलते। विंग कहते नहीं हम यहीं पर रहेंगे। तो लांसान कहते नहीं विंग चलते हैं ना। तो विंग कहते क्यों जाना है। तो लांसान कहते विंग यहाँ पर रह के क्या करेंगे, तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग कहता है ठंड नहीं लगने वाली, तुम हो ना मैं तुमसे चिपक के सो जाऊंगा, कहाँ से ठंड लगेगी। तो लांसान कहते विंग कहता है नहीं मुझे नहीं सोना, और तुम्हारे कार में होगा ना कुछ जाओ उसे लेके आओ। तो लांसान कहते विंग बट वो तो विंग कहता नहीं जाओ ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान उठकर जिस कार के पास चला जाता है जहाँ पे उसके ब्रदर थे ना, कार के बैक में जो है ना ऐसे कोट वगैरह जो चीज़ें रहती थी ना जिसे वो बाहर ट्रैवल करते थे ना, एक कपड़े की जोड़ी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा क्लोथ, वह वो अपने जो ना बैक सीट में रखते थे। तो वांग जी वहाँ से बॉक्स से जो कुछ कोट्स रखे हुए थे उनको लेके आ जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे लेके आ चुका था, उसे विंग नज़र नहीं आता। तभी हम विंग को देखते जहाँ पे वांग जी के जाने के बाद विंग जस्ट उस दीवार के पास गया था और उस दीवार को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी आता है और कहते विंग ऐसे कहते जो वांग जी उस दीवार के पास आ जाता है और विंग को देखते जहाँ पे विंग उन दोनों को नाम को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी थे क्या देख रहे हो विंग। विंग कहते देखो ना हम दोनों के नाम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो लांसान कहता है कि क्यों क्या हुआ। तो विंग कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है हम दोनों के नाम है ना।
हम दोनों साथ होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। तो लांसान कहता है हम तो साथ ही हैं विंग। तो विंग कहता है इस तरह से नहीं लांसान, ऐसे कहता है। एंड विंग नीचे से चौक को उठाता है, जहाँ पे लांसान कहता है किस तरह से। तो विंग जस्ट जो ना उन दोनों के नाम के बीच में एक हार्ट बनाता है, जहाँ पे लांसान कहता है ये। तो विंग कहता है इस तरह से होते तो लांसान कहता है इस तरह से मतलब विंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो विंग जस्ट लांसान को देखता है, देन लांसान के हाथ को पकड़ता है एंड अपनी ओर खींचता है, जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देख रहा था। बट विंग लांसान की आंखों में देखते कहता है मैं ये चाहता हूँ लांसान। तो लांसान कहता है क्या, क्योंकि क्या चाहते हो विंग। तो विंग जस्ट जो है ना जो दीवार थी ना जिस दीवार पे उसने लिखा था ना, तो लांसान को उस दीवार पे पुश कर देता है, जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देख विंग ये क्या कर रहे हो। बट विंग उसके करीब बढ़ता है, देन डायरेक्टली उसके लिप्स पे किस कर देता है, जहाँ पे पूरा लांसान शॉक, वो पूरा शॉक हो चुका था। एंड लांसान विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट आँखें बंद करके ये कर रहा था, बट लांसान जोर से विंग को पुश करता है, जिसके कारण विंग सीधा उस नाले में गिर जाता है। नाला बोल रही हूँ यार, उस पानी के अंदर गिर जाता है डायरेक्टली, जहाँ पे लांसान होश में आता है। जब उसे पानी में गिरने की वॉइस आती है, और लांसान जल्दी से जो अपने उसके हाथ में जो कोट थे ना उन्हें फेंकता है, देन वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट खुद को जो ना संभालने की कोशिश कर रहा था। लांसान पूरा शौक था, बट अभी उसे विंग को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लांसान कैसे भी करके विंग को जो ना जस्ट बाहर निकालता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग खास रहा था। विंग कहता है ये तुमने क्या किया, मैं पूरा भीग चुका हूँ, तुमने ये क्या किया, ऐसे विंग कह रहा था। बट लांसान जस्ट उसे देख रहा था, विंग को देख रहा था, जहाँ पे लांसान कहते हैं हाँ विंग ये लो, ऐसे कहते हुए जो ना लांसान विंग को जस्ट वो कोट दे देता है, जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ मुझे डर लगेगी, ऐसे कहते हुए जो ना विंग उन कोट को जो ना अपनी बॉडी के ऊपर लपेट रहा था, जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को जो है ना उस यानी जो ग्रास थी ना वहाँ पे वो सुला देता है एंड अपने ऊपर उस कोट को लपेट लेता है, जहाँ पे लांसान कहते विंग घर चलते, विंग उठो घर चलते। विंग कहते नहीं मैं यहीं पे टिकूँ, ऐसे कहते विंग जो है ना उस कोट को अपने ऊपर लपेट रहा था। एंड लांसान जस्ट दूर खड़े होकर जस्ट विंग को देख रहा था, लांसान भी भीग चुका था। लांसान कहते ये कहा था, ये क्या था, ऐसे लांसान सोच रहा था। और लांसान उसी दीवार के पास जाता है एंड अपने जो है ना हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहते ये क्या था, वो क्या कर रहा था, वो क्या कहना चाहता है, ऐसे विंग सोच बोले तो लांसान सोच रहा था। एंड लांसान पीछे जो नाम था ना उस नाम को भी देखता है, जहाँ पे हार्ट बना हुआ था उसे भी देखता है। लांसान कहते मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो वही उसी बारे में सोच रहा है, क्या वो वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ ऐसे जो है ना लांसान सोचता है क्या 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 वो क्या सच में ऐसे लांसान सोच रहा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना, नहीं वो ऐसे नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं, लांसान यही सोच रहा था। एंड लांसान कार में आकर जो है ना अपने जो ठंडे से उसने क्लोथ पहने होते उन क्लोथ को चेंज करता है, क्योंकि उसके भाई के वो क्लोथ को पहनता है। एंड लांसान नीचे आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने खुद को ऐसे ही समेट लिया था, विंग को ठंड लग रही थी। लांसान कहते हैं मैं इसे छोड़ देता हूँ, ऐसे कहते लांसान जस्ट विंग को कार में डालता है। एंड कार में डालने के बाद डायरेक्टली विंग का जो घर था ना वो वहाँ पे विंग को ड्रॉप कर देता है, विंग के घर में जाकर उसे सुला देता है, जिसके बाद लांसान जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लांसान जस्ट अपने हाउस आता है, हाउस में आने के बाद वो बहुत बार सोचता है जो विंग ने किस की थी एंड क्या चल रहा था, विंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा था और विंग ने कैसे उससे सवाल पूछे थे। लांसान उन सारी चीज़ों को जो ना अपने माइंड में रिमाइंड करा रहा था, और क्या क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है क्या। लांसान यही सोच रहा था, वो सोच रहा क्या विंग नाटक तो नहीं कर रहा है ना। हाँ नहीं 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 विंग ने आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा झूठ कभी बोला ही नहीं है, वो ऐसा कभी करता ही नहीं है मेरे साथ, तो ये क्या था। लांसान को समझ भी नहीं आता, वो जो है ना ऐसे ही सोचते सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन को देखते हैं, जहाँ पे हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करता है। अपनी आँखों को ओपन करने के बाद जो है ना वो जस्ट जो है ना अपने सर को पकड़ लेता है, उसे सर में दर्द हो रहा था, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी इसके कारण। तभी उसके सामने एक ग्लास आता है जिसे विंग देखता है और विंग कहता है ये क्या है। एंड विंग तभी सामने की ओर देखता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे घूर के देख रही थी, जहाँ पे उसकी मॉम कहती वाह क्या बात है, कॉलेज पढ़ने के दिनों में तुम अब जो है ना ड्रिंक भी करना स्टार्ट कर दिए। तो विंग कहते वो जहाँ पे उसकी मॉम कहती पहले तो ठीक था विंग, अब तो तुम्हें लोगों को उठाकर लाना पड़ रहा है। तो विंग मतलब क्या है। तो उसकी मॉम कहते क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन यहाँ पे उठा कर लाया था। तो विंग कहते कौन लाया था और मैं कैसे। तो उसकी मॉम कहते याद करो, ऐसे कहते जो ना उसके हाथ में ग्लास पकड़ा के वो चली जाती है। जिसके बाद विंग अपने सर को पकड़ता है, देन उसके बाद विंग अपने आप के सर पे जो ना जोर देता है क्या हुआ था। तो
तो विंग सारी चीज़ें याद करता है, जैसे कि विंग उस बार में गया था, बार में जाने के बाद जो है ना विंग जस्ट ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे जो है ना वेनिंग मिला, जहाँ पे वेनिंग बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है करके, उसका निहुसन के साथ झगड़ा हुआ है करके उसने बताया। उन लोगों ने दोनों ने मिलके फिर ड्रिंक की, विंग और वेनिंग ने दोनों ने मिलके अच्छे से ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद वो पूरे नशे में हो चुके थे, एंड विंग लालवांग जी को गाली दे रहा था एंड वेनिंग निहुसन को गाली दे रहा था, उन दोनों के बीच में ऐसा चल रहा था। बट उसके बाद विंग को बाहर निकाल दिया गया, जहाँ पे विंग ने कुछ प्रॉब्लम की थी इसके कारण। देन उसके बाद जो है ना विंग के फ़ोन से किसी ने फ़ोन कर रहा था, विंग उसे फ़ोन नहीं दे रहा था बिल्कुल भी नहीं, बट उस इंसान ने विंग के फ़ोन को छीन लिया था, इसके कारण जो है विंग को ये याद आता है। जिसके बाद विंग धीरे धीरे वो याद करने की कोशिश करते हैं, हाँ विंकिंग विनिंग आई थी, हाँ मैंने उसके पैर को पकड़ा था, हाँ हाँ और क्या किया था वांग जी, हाँ वांग जी के साथ कार में बैठा था, और क्या किया था, क्या किया था, ऐसे विंग सोच रहा था। और ऐसे सोचते सोचते विंग को जैसे उस पुलिया के नीचे जो हुआ ना वो भी याद आ जाता है, जो किस हुआ ना वो भी याद आ जाता है, एंड विंग की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे विंग सोच रहा था। फिर ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा, ये गलत है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या मुझसे नफरत करता होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, करके विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और विंग कहता है क्या मैं उसे कॉल करूँ, ऐसे कहता है। बट जो है ना विंग डर रहा था, अब क्या होगा, क्या उसकी दोस्ती टूट चुकी है, ऐसा ऐसा होने के बाद क्या उसकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट